Hey guys, I'm back with another video. और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन फ्रॉम OnePlus, OnePlus Nord CE 5G के बारे में। अभी ये स्मार्टफोन कल के दिन ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। कल के दिन आप लोगों को अनबॉक्सिंग वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा YouTube पे। मतलब ये स्मार्टफोन कल के दिन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, पर आज के दिन ये स्मार्टफोन ऑफिशियली रिवील हो चुका है। मतलब कैसा इस फ़ोन के अंदर डिज़ाइन मिलेगा, कौन सा स्पैक्स मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर, ऑफिशियली यहाँ पर रिवील हो चुका है। प्लस यार इस फोन का डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है। मतलब यहाँ पर रियर में काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इस फोन का टू कलर्स होगा, मतलब एक ब्लू कलर में आएगा और एक ब्लैक कलर में। मतलब यार काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन होने वाला है इंडिया के अंदर। और यार इस फोन के लिए बहुत सारे यूजर्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे। और ये स्मार्टफोन थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव होने वाला है। मतलब ये स्मार्टफोन आप लोगों को अराउंड 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर मिलेगा, ऑफिशियली कन्फर्म है। तो काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में ये डाउट जरूर होगा कि इस फ़ोन के अंदर कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पे अभी लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग और ऑफिशियली कन्फर्म इस फ़ोन के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट मिलने वाला है, जो स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज में एक बेस्ट चिपसेट है। इस फ़ोन के अंदर इससे भी अच्छा चिपसेट मिल सकता था, मतलब स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज में ही, पर इस फ़ोन का प्राइस भी मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए इस फ़ोन के अंदर ये चिपसेट दिया जा रहा है। और यार ये चिपसेट भी बहुत ही अमेजिंग है। इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग हम लोगों को मिलेगा। प्लस यहाँ पे डुअल 5G कनेक्टिविटी मिलेगा, 2.2 GHz का क्लॉक स्पीड ये स्मार्टफोन 5G होने वाला है। प्लस यहाँ पे 6GB 128GB का स्टार्टिंग रैम वेरिएंट मिलेगा। प्लस यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट 8GB 128GB, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और यहाँ पे रीड और राइटिंग स्पीड अच्छा मिलेगा, ऑक्सीजन ओएस का लेटेस्ट अपडेट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। प्लस यार ये फोन ना एंड्रॉयड 12 पे रन करने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, अभी यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है इस फोन के अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलेगा, पर 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा विद ओएलईडी पैनल। मतलब इस फोन के अंदर सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, तो कन्फर्म है। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, जो इस फोन का बेस्ट और बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, वो भी OnePlus के स्मार्टफोन है तो समझ जाओ बहुत ही फास्ट होने वाला है। 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, एक सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। और यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाला है, जो बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले होगा। यहाँ पे ओवरऑल ऑफिशियली रिवील भी हो चुका है। कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो बहुत ही अमेजिंग कैमरा सेटअप होने वाला है। यहाँ पे प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक अमेजिंग सेंसर होने वाला है इस फ़ोन के अंदर। यहाँ पे सोनी का सेंसर, हैसलब्लेड का कैमरा या फिर कौन सा कैमरा मिलेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, पर यहाँ पे 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा, ऑफिशियली रिवील हो चुका है। सेकेंड सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है। काफ़ी अमेजिंग कैमराज तो दिया जा रहा है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है 32 मेगापिक्सल का, तो आप इस फोन के अंदर सेल्फी भी अच्छे ले सकते हैं। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी मिलेगा और यहाँ पे 30W का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है, जो OnePlus Nord के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को चार्जिंग में तो अपग्रेड नहीं है, पर बैटरी भी सिमिलर ही मिल रहा है। मतलब ओवरऑल यार इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मस्त सा इस फोन के अंदर बैटरी और चार्जिंग भी मिल रहा है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, ये स्मार्टफोन ना लिटिल बिट एक्सपेंसिव होने वाला है। मतलब इस फ़ोन का प्राइसिंग अभी ऑफिशियली रिवील हो चुका है, 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आने वाला है, या फिर 21,000 रुपीज़ के रेंज में। पर इस प्राइस से तो इस फ़ोन के अंदर अच्छा ही मिल रहा है। प्लस ये स्मार्टफोन एक OnePlus का डिवाइस है, तो समझ जाओ आप लोगों को टाइम पे अपडेट भी मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छा ही मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को प्राइसिंग कैसा लगा है, ये फ़ोन आप लोगों के बजट में है या नहीं, आप लोग इस फ़ोन के लिए वेट कर रहे थे कि नहीं, अब फाइनली इस फोन का कल ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल वाले नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।